रात्रि, आज का क्लास शुरू हो रहा है और बच्चे कल का दूसरा भाग है पार्ट टू है जय हिंद जय बिहार जय स्टूडेंट्स आप लोग जुड़ जाएं और आज की क्लास को ध्यान से देखें क्योंकि आप लोग के विशेष मांग पर हम दोबारा इसको ला रहे हैं कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया था पहले भी इसलिए हम दोबारा ला रहे हैं पोएम का सॉर्ट और ऑब्जेक्टिव कोशिश करेंगे एक क्लास में इसको निकालने का और बच्चे फोटो जो मैंने कर बोला था बच्चे जो फोटो मैंने बोला था फोटो बहुत हुआ है हम उसका एक अलग पीडियो बना देते हैं कल उसको क्योंकि बहुत बच्चे को शायद वीडियो देखा भी नहीं होगा तो बहुत बच्चों का आ गया है लगभग मेरे पास 460 कलेक्शन आ गया है मेरे पास फोटो का 460 फोटो मेरे पास आ चुका है अभी तक और उसको एक जगह बनाने में उसको बना देते हैं क्योंकि हमको आज ऑब्जेक्टिव का तैयार करना था और इस कारण से कल उसको पूरा डालेंगे थोड़ा बढ़िया करके उसको डालेंगे कि कोई भी देखेगा तो कम से कम अपना फोटो पहचान लेगा हर बड़ी में डालते साथ किसी का फोटो दिखाई नहीं देता इसलिए अभी हम जो शुरू कर रहे हैं हिंदी 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 मैंने बता दिया हिंदी आपको दे दिए हैं हिंदी मैंने दे चुका है आप हिंदी पढ़ें हिंदी के फिर में ना पढ़े मैंने हिंदी दे दिया है हिंदी बहुत चीज पढ़ाए भी हैं और बहुत कुछ छोड़े भी थे लेकिन मैंने जो किताब दिया है उसका वो उससे को पढ़ लीजिए आएगा उसमें से चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी के फिर में ना पढ़े अभी और हिंदी वाले विद्यार्थी के लिए न मोहब्बत न दोस्ती के लिए न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए बस इतना ही याद रखना हिंदी जो दिए हैं उसको प्लीज पढ़ लेना दो बार रिपीट कर दो कुछ दिक्कत नहीं होगा तो चलिए अब क्लास में शुरू करते हैं और सबसे पहला चीज आज का जो क्लास है मैंने इसके पहले भी शॉर्ट पढ़ाया था को और थोड़ा सा लैंग्वेज कर दिए थे क्योंकि वो बिहार स्तर का था हमने इसको क्लास में जैसे पढ़ाते हैं ना सेम कर दिया फिर दोबारा मेहनत लगा है हमको जो सेम क्लास में पढ़ाते हैं क्लास का नोट्स नोट ही हम दे रहे हैं कि इस बार में एक बार पढ़ेंगे बच्चे याद हो जाएगा आप चले और कैसा फोटो स्टेट कैसा फोटो स्टेट तो अब हम नहीं बता सकते कैसा फोटो स्टेट है चलिए तो अब बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे गौर से सुनेंगे आप लोग क्वेश्चन बहुत आसान है हम एकदम सिंपल लैंग्वेज दे दिए पढ़ लीजिएगा इसको प्लीज एक एक क्लास में दो घंटा लग जाएगा इसको बताने में वाट ऑब्जर्व इन समर इन सॉन्ग ऑफ ऑब्जर्व मत देखना होता है गर्मी में कवि सॉन्ग ऑफ माइसेल में क्या दिखता है तो द पोएट ऑब्जर्व एस्पियर ऑफ ग्रास घास का नोक देखता है घास का नोक देखता है इन समर इन पोएम सॉन्ग ऑफ माइसेम इसको स्वदेशी लैंग्वेज कर सकते हैं इसको कोई भी बच्चा होगा आर्ट्स का होगा ये साइंस का हो ये कॉमर्स का हो सब कोई कोई याद हो जाएगा ये चीज और याद होगा ही थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेना द पोएट ऑब्जर्व एस्पियर ऑफ ग्रास इन समर इन पोएम सॉन्ग ऑफ माइसे इन वाट सेंस डज द सन कंस्पायर विद ऑटम पतझर में सूरज क्या करता है देखिए विद द हेल्प ऑफ सन देखिए सिंपल लैंग्वेज दिया है यही चीज मेरे पास बच्चे जो आते हैं उसको दिक्कत नहीं होता है विद द हेल्प ऑफ सन सूरज की रोशनी से फ्रूट्स टर्न राइप फल पक जाता है एंड मेलो मीठा हो जाता है मतलब स्वीट हो जाता है ऑटम एंड द सन कंस्पायर टूगेदर एक दूसरे से मिलकर पतझर और गर्मी मिलकर फल को पकाने में मदद करता है बच्चे मैसेज को नहीं देखेंगे हम पढ़ाने दीजिए हमको मैसेज देखेंगे तो घंटा क्लास हो जाएगा। मैसेज आप लोग। मैक्विटी को टर्म क्रिमिनल से तुलना क्यों किया गया देखिए ध्यान दीजिएगा मैक्विटी इज टर्म एज ए क्रिमिनल बिकॉज मैक्विटी डज नॉट लीव नहीं छोड़ छोड़ता है एनी क्लू कोई भी सुराग आफ्टर क्राइम अपराध करने के बाद मैक्विटी कोई भी सुराग नहीं छोड़ता है अपराध करने के बाद मैक्विटी कोई भी सुराग नहीं छोड़ता है वाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक कभी उस सांप को क्यों पसंद कर किया द स्पीकर लाइक द स्नेक बिकॉज इट लुक सो इनोसेंट वो बहुत ही भोला दिखाई देता था द स्नेक वॉज थ्रस्ट प्यासा भी था एंड इट डिड नॉट हार्म एनी किसी को हानि नहीं पहुंचाया लैंग्वेज एकदम सिंपल है कि नहीं बताइए आप लोग आप लोग बताएं लैंग्वेज सिंपल है ना जी कौन रो रहा है भाई फोटो स्ट नहीं मिला है देखिए पीडीएफ अगर नहीं होगा हम सिंपल समझ लीजिए कल वाला हम दे दिए हैं टेलीग्राम में हम एक बार जो बच्चे नए होंगे अब उस पूरा पोथा को नहीं पढ़े अब हम जो बताते हैं समय कम है कल हम जो दे दिए हैं उसको प्लीज देख लीजिए आप लोग अब उसका आंसर मैंने पहले भी दिया था पढ़ाया भी था उसका आंसर तो आपको देखना होगा कहिएगा तो उसको भी बना के दे देंगे और अभी हम जो दे रहे हैं टेलीग्राम में देते ईटीसी बिहार इंग्लिश देखिए टेलीग्राम का नाम क्या है ईटीसी बिहार इंग्लिश एक एक बार सुन लीजिए कैसे लिखिएगा आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा जो नए विद्यार्थी होंगे ज्वाइन हो जाएगा इटीसी बड़ा लिखिएगा देखिएगा ध्यान से उसके बाद बी बड़ा से और बाकी छोटा से बिहार और उसके बाद इंग्लिश अगर इसमें और भी इतना पर नहीं आएगा ट्रेनिंग सेंटर दीजिएगा या से बिहार इंग्लिश आ जाएगा आपका टेलीग्राम में आ जाएगा। तो इसको आप देखेंगे जरूर प्लीज बस इसी से चार दिन पढ़िएगा आपका काम चल जाएगा चलिए। वाई डिड द फायर हिम से टू द वह जो कविता फायर हिम क्या कहती है कवि से फायर ही देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज इसको एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा तुमको यही खासियत है कि बच्चे को आसान पड़ता है हमने उसमें जान के थोड़ा भारी लैंग्वेज मसाला डाल दिया था लेकिन हम देखे हैं कि बच्चों को याद नहीं हो रहा था बहुत बच्चे मैसेज भी थे क्लास का मेरा एकदम सिंपल लैंग्वेज है द फायर हिम देखो हम, हम मैं फिर बोल रहा हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पे हर चीज देना शायद अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ठीक है टीचर लोग पढ़ लेते लेकिन बहुत ऐसे टीचर हैं जो कि सही से नहीं कुछ है वह नोट्स को उतार लेता है और पढ़ा रहे लोग तो इसलिए हम बहुत कुछ जो क्लास का चीज अब नहीं देना चाहते हैं हाँ वही पढ़ा रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं जी आज हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है पूरा पोइम का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा हम चार पांच को बता देते हैं फिर इसको हम आगे बढ़ जाएंगे द फायर आग कभी कभी श्राप होता है

कभी जो है क्यों इंतजार किया द स्पीकर डिसाइडेड टू वेट बिकॉज द स्नेक दॉ जस्ट इन फ्रंट ऑफ टॉपिक सांप जो है उसके जस्ट सामने था सांप जो है उसके सामने था इसीलिए उसका इंतजार किया ध्यान दीजिए अब ऐसे ही क्वेश्चन सब है हाउ वुड द पोएट इन द सोल्जर लाइक टू बी रिमेंबर्ड इफ

वाट इज एन इपिताप इपिताप क्या है या इपित क्या है इपिताप इज ए मेमोरियल एक स्मारक होता है वे डेड बॉडी जहां मरे हुए शरीर को ब्यूरिट दफनाया जाता है इट इज टॉम ऑफ द ग्रेव टॉम का मतलब मकबरा होता है ये कब्र का मकबरा होता है ये कब्र का मकबरा होता है कब्र का मकबरा होता है देखिए सिंपल एकदम भाषा है वाट डज द पोएट इन हिम सी इन द मॉर्निंग एट द घाट द पोएट घाट देखता है अजला कोयला और अफजली हड्डी कहां पर शमशान घाट में क्या देखता है अजला कोयला और अजाला हड्डी अजाला हड्डी को स्टॉप्स बोलते हैं और अफजली कोयला को इम्बर्स बोलते हैं सिंपल है एकदम एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा तो शॉर्ट में एकदम सिंपल कर दिए हैं बच्चे सिंपल कर दिए हैं ब का फोटो आया है अब और भी जो जो बच्चे कल याद किए होंगे फोटो दे दीजिएगा अभी देखिए ये सब शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग प्लीज देख लीजिएगा ज्यादा नहीं है दस गो पंद्रह होगा ज्यादा अब देखिए हम यह जो हम छोड़ दिए थे हम थोड़ा सुनिएगा लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था मैं कुछ छोड़ दिया था बनवा दिया था तो हम टोटल बताने जा रहे हैं बच्चे टोटल पोएम का हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहे हैं आप लोग जितना से जितना जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं। और नहीं भी जुड़ने का मन करता बाद में भी वीडियो जरूर देख लेना और उसके बाद हम इसको टेलीग्राम में अभी मैं लाइव कर रहा हूं दस बजे रात्रि को एकदम आज एकदम दस बजे पूरे हम टेलीग्राम में डाल देंगे इसको टेलीग्राम में डाल देंगे आप इसको अभी देखिएगा दो घंटा और उसके बाद दस बजे हम पूरा टिक मार करके कर डाल कर देंगे टिक मार करके कर डाल देंगे आज हम इसका बता देते हैं कल प्रोज का बता देंगे कल प्रोज का बता देंगे बोल थे ना

कहाँ से लिया गया है यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो सोल्जर से लिया गया है सोल्जर इज अस पोए थोड़ा सा अब हम सोनेट मीन सोनेट का मतलब कितना होता है चौदह लाइन चौदह लाइन होता है देखिए यहाँ चौदह लाइन होता है सोनेट का मतलब चौदह लाइन सोल्जर the, the misery ऑफ कविता में सैनिक जो है किसके कष्ट के बारे में बतलाता है युद्ध के बारे में सुनने से याद होगा सुन लीजिए युद्ध युद्ध के के बारे में, के बारे में में वो बतलाते हैं किसका प्रतीक है सोल्जर का प्रतीक है सोल्जर का प्रतीक है द स्पीकर इज नॉट ए फ्रेड ऑफ कभी कौन सी से भयभीत नहीं है मृत्यु से मृत्यु से भयभीत नहीं है थोड़ा सा देखो हम

सैनिक था बच्चे देखिए रहा है ना आप लोगों को चलिए ठीक है सोल्जर so, इज ए डैश पोएम कैसा पोएम है वार है। वार पोएम पोएम है है देखो सुन लोगे ना सुनने से याद हो जाएगा पूरा ये वो अभी याद करोगे ना तब एकदम जल्दी है तुम लोग को हो जाएगा दो तीन बार वीडियो देख लेना इसका रूपर्ट ब्रोक इज रिमेम्बर्ड एज ए उनको किसके रूप में याद किया जाता है वार कवि के रूप में वार कवि के रूप में याद किया जाता है तो रूपर्ट ब्रोक वाज डायड इन कब मरे पंद्रह में मरे पंद्रह में मरे थे और रूपर्ट ब्रोक ड्यू टू किस कारण से मरे थे से मरे थे बोला गया है कीड़ा काट लिया था लेकिन भी हो सकता है तो जो ऑप्शन देगा तो लेकिन यही सबसे याद रखे कॉन्सिल्ड स्टैंड फॉर कॉन्सिल्ड का मतलब क्या होता है छुपाना होता है कॉन्सिल्ड का मतलब छुपाना होता है द सोल्जर डील्स विद सोल्जर किसके बारे में बतलाता है अपने देश के बारे में इंग्लैंड के बारे में बतलाता है हम देखो, मैसेज वीडियो बड़ा हो इसलिए मैसेज नहीं a, एक बार में कोई ना बताया होगा तो इसलिए हम चाहते हैं कि तुम लोग देख लो प्लीज देख लो और तुम मिला भी सकते हो द सोल्जर इज ए पोएम कैसी कविता है भाई तो यह पेट्रियोटिक कविता है पेट्रियोटिक है या नहीं है या नहीं है या नहीं है पेट्रियोटिक है द सोल्जर इज डैश सोनेट है सोहुदा लाइन की कविता है हम इतना बता दे रहे हैं कि याद हो जाएगा आप लोगों को इंग्लिश वर्ड चार बार इंग्लैंड का छह बार यूज किया गया इस पे इंग्लिश वर्ड चार बार इंग्लैंड छह बार चलो इसको तो छह यहां होगा द सोल्जर डील्स विथ इंग्लैंड रूपर्ट ब्रोक वाज बोर्न इन कब जन्म लिए 87 में जन्म लिए 15 मर गए 87 में 27 साल 87 और 15 87 और 15 87 पॉल्स इन द इटर माइंड इज रिटन बाई पॉल्स इन माइंड तो कौन लिखे है यही लिखे हुए हैं रूपर्ट ब्रोक उनको देशभक्ति की भावना कब हुई सैनिक तो थे प्रथम युद्ध में प्रथम तो अर्ली होगा इसमें अर्ली होगा बच्चे गौर करना द पोएट रूपर्ट ब्रोक प्रेजेज किसके बारे में प्रशंसा करते है? हैं इंग्लैंड के, 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 के बारे में करते हैं इंग्लैंड के बारे में है द सोल्जर बिलोंग टू सोल्जर कहां से जुड़े हुए थे इंग्लैंड से थे इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश कहां से लिया गया है हार्ट ऑफ पीस हार्ट दिल और यह सोल्जर के लिए इंग्लैंड हैज गिवन हिम टू लव इंग्लैंड में क्या है हमारे देश में क्या है हम लोग जब किसी को करते हैं ना तो ऐसे करते हैं या वहां फ्लावर दिया जाता है फूल दिया जाता है अब हम लोग के पर फूल देने का प्रथा गया है तो फ्लावर होगा प्यार का प्रतीक कौन से होता है फ्लावर होता है याद रखिएगा इसको आप लोग द रिचर डस्ट रेफर टू रिचर डस्ट किसका रेफर देखिए यहां कंफ्यूजन है बच्चों का रिचर डस्ट धनी कौन है तो होना चाहिए हिज कंट्री हिज कंट्री होना चाहिए लेकिन अगर यह भी अगर मारते हैं तो गलत नहीं है तो यहां पर यह ऑप्शन सही है बेस्ट है कि बेटर है अगर कोई भी लगता है बहुत ऐसा ऑप्शन होता है जिसका कोई दिक्कत नहीं होता है तो सबसे बेस्ट है यह है बेटर यह रूपट ब्रोक बॉडी इज मेड फ्रॉम द डस्ट ऑफ़ किसके मिट्टी से बना हुआ है इंग्लैंड की मिट्टी से इंग्लैंड की मिट्टी से रूपट ब्रोक मेटाफिजिकल रोमांटिक वार कैसे कवि चलिए अब स्वीटेस्ट लव के बारे में जानते हैं जर्मनी है पत्नी है दुखी है पति से सूरज से वो अपने को तेज समझते हैं चलिए मेटाफिजिकल कविता है मेटा कविता जो है लिरिक्स है धुन है और बस समझिए आप लोग जॉन डोन है पोएम जॉन डोन ने कौन कविता लिखा है स्वीटेस्ट लव लिखे जीवन तो का स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो इज लव पोएम है लव पोएम भी है लव होगा इसमें जॉन डोन सीन द सन सेटिंग नाइट जॉन डोन देखते हैं कि सूरज रात्रि में क्या होगा गई बीती रात्रि में चली गई स्टरडे बीते हुए कल में चली गई और फिर सुबह में आएगी जॉन डोन इज गोइंग टू कहा जा रहे थे जर्मनी जा रहे थे जर्मनी जा रहे थे स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो हैज बीन टू स्वीटेस्ट में किसके बारे में बताया गया है उनके पत्नी के बारे में जो प्रेमिका भी थी अगर प्रेमिका हो तो प्रेमिका लगाना पत्नी हो तो पत्नी लगाना दोनों एक बार नहीं देगा एक ही चीज देगा तो इसमें डॉन वाइफ डॉन्स वाइफ होगा द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज हिज बिलव अपनी प्रेमिका से दुखी है दुखी है सैड होगा सैड होगा डोन इज वेल नोन फॉर हिज डोन को किसके रूप में जाना जाता है यह भी थे यह भी थे यह तीनों थे तो ऑल ऑफ होगा याद रखिएगा ऑल ऑफ होगा ऑल ऑफ होगा। जॉन डोन वाज द फाइन ईयर ऑफ कौन सी को मेटाफि पोइट मेटाफि कभी बोलते हैं आध्यात्मिक कभी पारलौकिक कभी जो कविता जिस कविता में मिलन जु, जुदाई के बारे में हो आना जाना हो स्वर्ग नरक के बारे में हो उसी के बोला जाता है मेटाफिजिकल जॉन डोन्ट थिंक डेट इज सर्टेन कौन चीज निश्चित है मृत्यु निश्चित है आनी है और जानी है तो देथ निश्चित होता है जॉन डोन वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज किससे वह नहीं है किससे वह दुखी नहीं है थके नहीं है बिलॉब्ड हम टिक मार्क करके मुंह से बोल दें आप लोग बताइए टिक मार्क करे के मुंह से बोल दें बोल भाई टिक मार्क करे के मुंह से बोल दे आप लोग बताइए ना भाई टिक मार्क करे के मुंह से बोले टिक मार्क में समय लग रहा है टिक मार्क करे के मुंह से बोल दे दोनों बोलो ना भाई मुंह से बोल दे सही बोला है अब टिक मार्क मुंह से हम दोनों देखिए मुंह से बोलने पर क्या है ना कि जल्दी हो जाएगा और टिक मार्क में समय लगेगा बोला तो जल्दी हो जाएगा तो वीडियो छोटा बनेगा तुम लोग को देखने में आसान रहेगा चलिए बोलते हैं और वह किसके थके हुए थे प्रेमिका से द पोएट जॉन डोन इज बेटर देन जॉन डोन किससे बेहतर है सूरज से बेहतर है सूरज से बेहतर है तो यहाँ सन हो जाएगा जॉन डोन फील्स डेट इज वेरी होपलेस कौन आ... कौन जो है निराशा से भरा होता है आदमी होता है

जॉन डॉन लिखे हैं और वेन डिड डिग्री उनको जाति के लिए बताए थे आप लोग को बैच में पढ़ाए थे आप वीडियो में देखिएगा जाति के चलते कैथोलिक जाति के चलते उनको वह कौन चीज उनको कॉलेज से निकाल दिया गया मात्र ग्यारह साल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला हुए थे

उनकी प्रेमिका उनसे गहरा प्यार करती है किससे करती है जॉन डोन जॉन डोन जॉन डोन जॉन डोन थिंक्स डेट इज सर्टेन कौन सी निश्चित है मृत्यु निश्चित डेथ ए नंबर होगा एक सांस में बोलना चलिए बोलते हैं यह तो सॉन्ग ऑफ अपना कैसे राइम है कैसी कवि तो कौन लिखा वाल्ट वर्ल्डमैन कहा के थे अमेरिका के थे इनको पीपुल्स पोएट बोला गया है पीपुल्स पोइट बोला गया है इनको क्यों बोला गया था क्योंकि निगरो के पक्ष में बात किए थे इसलिए निगरो ने इनको एक टाइटल दिया था पीपुल्स पोइट लोग कभी बन गए थे और कितना साल में स्कूल छोड़ दिए ग्यारह साल में कारपेंटर बन गए थे और उनका एज कितना था सॉरी देखिए बड़ा हो गया चले छोटा कर दे है ना मक्खी आ गया चलिए दिखाई दे रहा दिखा है आप लोग को चले और छोटा करें मक्खी बैठ गई देखिए मक्खी बैठ गई थी शायद ओकरो एग्जाम देना है क्या भाई ओ उसी लिए आ गई थी कि सर हमको भी समझा दीजिए चलिए दिखाई दे रहा है आप लोग को और बड़ा कर दे मक्खी दिख रहा है हिला दिया है एक नाना पाटेकर का डायलॉग था चलिए एज कितना था उनका उनका एज सैतीस साल तक क्यों बताए हैं क्योंकि गोरो ने उनको पागल घोषित कर दिया था इसलिए बोलते हैं आई एम थर्टी सेवन ईयर्स ओल्ड परफेक्ट हेल्थ बिगिन सैतीस साल इनका एज था सॉन्ग ऑफ सेल्फ इज टेकन सेम कहां से लिया गया है यह कविता कहाँ से लिया गया है तो याद रखना ग्रास से लिया गया घास से लिया गया है और लिवस ऑफ ग्रास से लिया गया घास से लिया गया है घास आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ

के आई डबल एल कील हो जाएगा स्नेक हो जाएगा और डेथ हो जाएगा ना सोल्जर अब डेथ होगा सोल्जर कील होगा स्नेक सॉरी उल्टा हो गया डेथ होगा बच्चा सुनना डेथ होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डाई होगा सोल्जर कील होगा स्नेक एक बार और किल किल मतलब तो अपने से मारना तो इसमें स्नेक होगा डाई अपने मर जाना जैसे कोई मर जाता है कोई गोली खा के तो डाई तो उसमें soldier, और डेथ हो जाए ना तो सॉन्ग ऑफ माइस याद रखना तो डेथ है तो सॉन्ग ऑफ माइस होगा द लाइन आई नाउ थर्टी सेवन ईयर्स ओल्ड मैं सैतीस साल का हूं इसमें किसने बताया सॉन्ग ऑफ माइसिल्फ बताया गया है आवर ब्लड इज हमारा ब्लड क्या है प्योर है कि सेम है दोनों हो सकता है तो प्योर है कि सेम है दोनों अगर दे देगा तो सेम लिखिएगा प्योर तो सबका है भाई है सेम होता है सेम, डिसिमिलर रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है तो सेम यहां हु वाज कारपेंटर एट फर्स्ट आप लोग एक बार में वीडियो को नहीं देखिएगा पांच पांच मिनट देख लीजिएगा आप लोग को याद हो जाएगा आप एक तो में तो बनाएंगे वीडियो को हम कोई रिटेक नहीं करते हैं कोई वीडियो लोडिंग नहीं हम डायरेक्ट लाइव में आते द पोएट हु वाज कारपेंटर फर्स्ट कौन ऐसा कवि था जो शुरुआत में कांट पेंट कारपेंटर बन गया 11 साल में स्कूल छोड़कर कारपेंटर बन गया था तो वाल्ट वीटमैन थे वाल्ट वीटमैन थे स्नेक द स्नेक में क्या है कवि है जुलाई का महीना है सिसली है इतना सिसली जगह का है कार्बो ट्री है कैरोबिया कार्बो ट्री है कवि पैजामा पहना हुआ है जुलाई महीना का है सांप ब्लैक है वो पानी पीने के लिए आया है पानी के नाद के पास उसको बोलते हैं ट्रॉप वाटर ट्रॉप बोलते हैं और वो क्लम्सिया लॉग से मारता है डंटा टाइप होता है डी एच एल है डी तो से डंटा और डी से याद रखना डी एच लॉरेंस डेविड हार्बर्ट लॉरेंस डी से डंटा याद रखना द किंग ऑफ एक्साइल बनवास में कौन है किंग कौन राजा है सांप है इसने खाया महीना का नाम क्या था जुलाई था जुलाई था गया यहां पर कभी चोट पहुंचाया सांप को किसकी सहायता से लॉग और स्टिक से स्टिक से मारा स्टिक से मारा देखिए आप लोग रिग्रेट नहीं दिया तो सी नंबर होगा सी नंबर होगा रिग्रेट मतलब प्राचित की आग में जलना होता है डीएच लॉरेंस वाज बोर्न इन विलेज ऑफ

म टू वाटर पानी के नाद के पास कौन गया था सांप गया था सांप सांप गया गया था गया था।, गया था प्यासा था इसलिए गया था द oh, <laughs> कभी क्या पहना था पैजामा पाना था बच्चे कभी पैजामा पाना था और प्यासा कौन था दोनों था भाई कभी भी था द स्नेक मेड दोट कभी सांप को मिला कहां पर ट्रप टी आर ओ यूजी पानी के नाद के पास ट्रप द स्नेक सिम लाई के वो अपने को कैसा महसूस करता है एग्जाइल किंग इन किंग इन किंग किंग इन इन एग्जाइल होगा पेड़ का नाम क्या था नीम तो था नहीं मैंगो नहीं था कैसा दिन था गर्मी का दिन था गर्मी का दिन था द नेम ऑफ प्लेस हम सबको अलग अलग करके बता रहे हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा प्लेस का नाम क्या था दोट कम्पेयर था। कभी ने उस सांप का तुलना किससे किया है सी बर्ड से किया है सी बर्ड सी बर्ड से किया है स्पीकर है दे उसकी इच्छा थी किससे बातचीत करने का सांप से सांप से द कलर ऑफ पेस्टलिक्लैक होगा ब्लैक होगा ब्लैक होगा ब्लैक होगा हो बच्चे हम जानते हैं आप लोग थके नहीं रुके नहीं कुछ लोग कुछ लोग अपनों के लिए सपनों को छोड़ देते हैं कुछ लोग अपनों के लिए सपनों को छोड़ देते हैं और कुछ लोग सपनों के लिए अपनों को छोड़ देते हैं मेरी बात को फॉलो करना कुछ लोग अपनों के लिए सपनों को छोड़ देते हैं और कुछ लोग सपनों के लिए अपने को छोड़ देते हैं अब बताओ तुम दोनों सब कुछ बताइए कि सपना बेहतर है कि अपना बेहतर है हम कमेंट्स देखेंगे आप लोग का सपना बेहतर है कि अपना बेहतर है मेरी बात को समझ सुनना कुछ लोग अपनों के लिए सपनों को और कुछ लोग सपनों के लिए अपनों को छोड़ देते हैं कौन बेहतर है हाँ भाई पूरा खत्म कर देंगे घबराओ नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं याद रखना अब एक बार में बोलने में थोड़ा सा लगता है थोड़ा सा एनर्जी बहुत लगता है भाई मेरा नाम बोल दिया अमन वर्ल्ड ऑफिशियल अमन वर्ल्ड ऑफिशियल देखिए स्लो करेंगे ना हमको देखो तो हमको कहा है स्लो तो और धीरे धीरे धीर पढ़ाएंगे बड़का बन जाएगा वीडियो बड़ा बन जाएगा चलो ड्रीम माँ वाली शायरी बोल दे। देखिए ना सपना बेहतर है ना अपना बेहतर है दोनों बेहतर होते हैं सपना के समय अपनों को भूल जाना और अपनों के समय सपना को भूल जाना दोनों का अपना अपना स्थान होता है लेकिन अभी तुमको सपनों को पूरा करने के लिए अपनों को भूल जाना है सबको भूल जाओ दुनिया को भूल जाओ ये केवल चार दिन पांच दिन के लिए नहीं मैं बता रहा हूं यह तीन साल तक तुमको सबको भूल जाना है केवल सपनों को याद रखना है अपना पूछिए सपना कौन रहा बुआ लिखा लिख रहा है सपना जो मेरे पड़ोस में रहती है उसको सपना कहता है ऐसा कुछ नहीं सपना का मतलब होता है बाबू ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सपना जो अगर मेहनत कीजिएगा तो होगा अपना नहीं तो होगा बहुत दूर तो इसलिए ड्रीम्स ड्रीम्स वर्ड होता है और ड्रीम्स को पाने के लिए बाबू पागल होना पड़ता है पागल मतलब पागल नहीं बोल रहा है सलमान खान वाला पागल नहीं पागल का मतलब होता है कि जुनून बनाओ उमंग बनाओ उत्साह बनाओ चलो जय हिंद जय जाह भारत छोड़ नहीं रहे घबराओ नहीं अभी ओड ज्यादा बोलना पड़ा जी ओड पतझर मौसम है गर्मी का महीना है पतझर में पता गिरता है नया पता आता है फल पक जाता है स्वाद में मीठा हो जाता है गर्मी के चलते फल पक जाता है स्वाद में मीठा हो जाता है यह मौसम गर्मी के बाद आता है चलिए कौन लिखे हैं इसको भाई जॉन किड्स लिखे हैं कवि थे रोमांटिक लेकिन कविता लिखे हैं नेचुरल कवि थे रोमांटिक कविता लिखे हैं नेचुरल और इसमें ओल्ड गाना के बारे में बताया गया पतझर गाना और ये कब लिखा गया सितंबर 1819 में लिखा गया सितंबर 1819 में लिखा गया जरूरत नहीं है बता दिए सब बता दिए और सीजन का नाम क्या है पतझर है है और हाँ, एक चीज ये इंपॉर्टेंट इस स्टेंजा इसमें कितना स्टेंजा इस है तीन स्टेंजा है एक स्टेंजा में कितना लाइन है ग्यारह लाइन है एक स्टेंजा में ग्यारह लाइन है स्टेंजा कितना है तीन गो है हाउ मेनी स्टेंजा थ्री है इसमें और ओ टू ऑटम कैसी है ओड है गाना है और किड्स क्या थे रोमांटिक कवि थे रोमांटिक कवि थे और ईच स्टेंजा ऑफ द ओट ऑटम इस कविता में स्टेंजा में कितना लाइन है ग्यारह ग्यारह लाइन है तैतीस लाइन का कविता है और पतझर मौसम शुरुआत होता है किसके बाद गर्मी के बाद गर्मी के बाद समर होगा समर होगा बच्चे गौर करना डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर वो भले रोमांटिक कवि थे लेकिन नेचर को प्यार करते थे तो जॉन किड्स होगा जॉन किड्स होगा ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो एंड फ्रूटफुलनेस फल पक जाता है गुद्दा हो जाता है तो फ्रूटफुलनेस होगा याद देखिए फ्रूटलेस है नहीं होगा फ्रूटफुलनेस होगा ओल्ड लिवस बिगिन टू फॉल इन पुराना पता गिर जाता है किस मौसम में पुराना पता गिरता है किस मौसम में पतझड़ में गिरता है इधर से हम पूरा फेस दिखाई देता है इधर आने पर इधर से दिखाई देता है लेकिन दिक्कत क्या है ना कभी इधर भी कभी उधर भी घूमना पड़ता है थोड़ा सा इन सीजन न्यू लिप्स एंड फ्रूट्स कॉम किस मौसम में नया पत्ता आता है पतझर में होता है ड्राई फ्रूट्स टर्न राइप एंड मिलो सूखा फल पक जाता है और स्वाद में मीठा बीठा होता है कौन मौसम में पतझर में पतझर में होता है बच्चे नाउ द लिप्स नाउ द लिप्स नाउ द लिप्स में याद रखें गुड़काउना के बारे में बताया गया गुड़काउना क्या होता है जो ऐसे बच्चे लुटकाते हैं रोलिंग करते हैं देखिए पोएम कैसी है शिक्षा प्रद कविता है तो यहाँ अगर चार गो में शिक्षा प्रदेश शिक्षा प्रद लिखेगा कवि का नाम क्या है तो वाल्ट वाल्टिटमैन तो था नहीं डब्ल्यू एच ऑर्डन था डब्ल्यू एच ऑर्डन था प्रेम्स का मतलब गुड़कावना होता है जो बच्चा से नहीं गुड़काता तो रोलिंग हो रहा है लुढ़क रहा है तो रोलिंग हो जाएगा रोलिंग हो जाएगा लिप सार और पेड़ की पत्तियां क्या हो रही गिर रही है फॉलिंग फास्ट तेजी से गिर रही है फास्ट लिखा भाई डी अलग है ओल्ड बिगिन टू फॉल पुराना पता क्या होता है है गिरने लगता डैश यात्री कौन है जो बूढ़े लोग यात्री हैं यात्रा करने वाले हैं जाने वाले हैं तुम तो परदेशी साथ क्या निभाओगे और सवेरे वाली गाड़ी से चले जाओगे इसलिए हमेशा बोलते हैं बच्चे रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है और ना हाथी है ना घोड़ा है यहाँ पैदल ही जाना है और एक बच्चा कमेंट है कि सर बोला है माँ पर कुछ बताइए तो हमेशा बोलते हैं वो इसको सीख लो दिमाग में बैठा लो नींद अपनी भुला के नींद अपनी भुला के सुलाया तुमको आंसू अपने गिरा के हंसाया तुमको दर्द कभी ना देना उनको जिस माँ बाप ने बनाया तुमको चलिए ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन मनुष्य का जीवन बेहतर नहीं है किससे मृत्यु से मृत्यु से मृत्यु होगा इसमें याद रखना ट्री सेट देयर लिवस पेड़ का पत्ता ऐसे करता है गिराता है किस में पतझर में में पतझर पथझा यहाँ वाटर फॉल झरना का जल प्रपात का कलर क्या होता है होता है पानी गिरता है व्हाइट होता है याद रखना द द फॉलिंग ऑफ ऑफ रेफर टू अराइवल कौन चीज गिरता है फॉलिंग ऑफ डैश स्टोन लिप्स स्नो नाउ लिप्स होगा इसमें लिप्स होगा लिप्स द डैश हैज बिकम टू द ट्री नाइट एंगल होगा

विस्परिंग नेबर करते हैं गुप्त पड़ोसी करते हैं जो हमारे दाएं बाएं होते हैं जिसको हम मृत्यु कहते हैं मृत्यु कहते हैं द द डैश ऑफ ऑफ डेथ डेथ इज विस्परिंग 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 नेबर 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 कौन है मृत्यु का संदेश वाहक मैसेंजर होगा इसमें मैसेंजर होगा हाउ द लिवस आर फॉलोइंग फास्ट इज पोएम कैसी पोएम है आशावादी नहीं निराशावादी है निराशावादी है तो आशावादी यह होता है निराशावादी होता है आप समझ लीजिएगा बताया दिए हैं समझ लो

मर्द के लिए नहीं आएगा एंजल एंगल या एंगल नहीं पड़ेगा एंजल पढ़िएगा जो है हमारी खुशी को छीन लेते हैं तो खुशी का डिलाइट होता होता है होता है डिलाइट डिलाइट होगा द कलर ऑफ वाटरफॉल क्या है व्हाइट है व्हाइट है ग्रेड मदर हाउस के बारे में बताए थे कि भाई इस ग्रेड मदर हाउस कहां से लिया गया है तो ये कविता लिया गया है कहा से लिया गया समर इन कोलकाता से लिया गया है बचपन उनका दादी माँ के घर गुजरा था इस कविता में दादी माँ के बारे में बताती है। मरने के बाद घर खामोश हो गया है एक कुत्ता है और सांप किताबों के बीच घुमा करता है और वो बचपन उसका कोलकाता में गुजरा था दादी माँ के पास रहा करती थी कोलकाता में माँ बाप के पास रहते थे वो चलिए अब सुनिए एक बार में बोलना बहुत टफ काम है लोग कटिंग करके कर कर बनाता है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर से

जिसमें दो कविता कैसी है, है।, है। कमला दास इज प्राउड करती, करती? करती है तो दादी माँ का मदर होगा ग्रैंड मदर होगा वेन डिड द पोइट लिव विथ ग्रैंड मदर, गे। मदर कब रहती थी दादी माँ के साथ बचपन में बचपन में जब घर जाती थी छुट्टी में तो उनके साथ रहा करती थी ड्यूरिंग चाइल्डहुड होगा

उस इज डैश पोएम कैसी आउटोबायोग्राफी है द पोइटेस इन द्रैंड मदर हाउस बेगैट स्ट्रेंजर डोर अजनबी के दरवाजे पर गिरती है स्ट्रेंजर होगा यहाँ स्ट्रेंजर होगा बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक बाई कमास हुता में किसकी मृत्यु के बारे में बताती है कमला दास किसके बारे में बताती है ग्रैंड मदर के बारे में बताती है

केरला में जन्म हुआ कलकत्ता में समय बिताई और बुढ़ापा बिताई पुणे में क्योंकि पति वहीं के माधव दास पति का नाम था बैंक में काम करते थे माधव दास सी डाय मरी पुणे में मरी ऑफ दैट हाउस कौन उस घर गर पर गर्व करता था कमला दास कमला दास हु लुक फ्रॉम द विंडो कौन खिटखीट झांकता है कमला दास कमला दास देर इज कंप्लीट इन द हाउस हाउस घर में क्या है उनके मरने के बाद शांति है, है. उनको चौरासी में नोबे वक्त नामांकित रद्द कर दिया गया था उन्नीस सौ में कमला दास है दे रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम दोनों के लिए जानी जाती है मलयालम और इंग्लिश दोनों के लिए जानती है मलयालम होगा सी ड्यू टू किस कारण से मरी थी

और कभी उसको प्यार करता है उसको नेपोलियन से तुलना करता है वो कोई भी सुराग समय घटनास्थल पर कोई सुराग नहीं छोड़ता है इसलिए उस अपराधी से तुलना किया गया नेपोलियन से और नेपोलियन अपराधी नहीं थे एक महान योद्धा थे और उसका हिडन पाव है इसका हिडन पाव है तो चलिए बेटा चलिए अब बच्चे चलिए बोलते हैं अभी तुमको लगता तु तु है बहुत होगा अभी चलिए मैक्विटी इज ए कैट ऑफ द पोएट किसकी बिली है पालतू बिली पालतू पेट होगा इसमें मैक्विटी इज ए पोएम कैसी कविता है ह्यूमरियस है ह्यूमरियस है ह्यूमरियस है याद रखेगा

Is compared to Napoleon. तो ना किया गया is master of criminal. कौन? Criminal है. है? है. कौन पुलिस का मुख्यालय उनके फाइल में कोई दर्ज नहीं है उनका अपराध तो फाइल होगा यहाँ मैक्विटी इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ डिस्पेयर बेफलमेंट होगा यहाँ आप देख लीजिएगा इसको और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा हमको आप और इसमें होगा यहाँ और इस क्वेश्चन को नौ को देख लीजिएगा आप लोग या हम सब पूछेगा अभी हम बता देंगे या, ही या हम जब तो टिक मार करके भेजेंगे इसको देख लेंगे मैक्विटिस पावर ऑफ एलिबेशन वुड वही होगा आंसर जो बताया है अभी आपको बी मैक्विटिस पावर ऑफ एलिबेशन वुड मे के फकीर फकीर होगा इसमें फकीर होगा बच्चे इलियट बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी किस कवि किस समय के वह थे इलियट किस सदी के थे वह इलियट तो याद रखना है इसमें ये भी मैं क्वेश्चन को, को मैं बता रहा हूं उन्नीसवी या बीसवीं उन्नीसवी या बीसवीं उन्नीसवी होगा आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर उन्नीसवी या बीसवीं बच्चे जुड़े हुए हैं आज बच्चे जुड़ गए हैं महाकाल के नाम से सब्सक्राइब कीजिए लेकिन नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है आप करना चाहते हैं तो करें मेरा काम है जो हम बोले थे हम करें कर रहे हैं हम जो बोले हैं बस बस्तर करिए तो बताए हैं इसमें उन्नीस से बीस आप लोग हैं स... जा नहीं भी है भाई मैक्विटी है। वाज प्राइज बच्चे बताइए आप लोग इनको नोबेल प्राइज अवार्ड के लिए कम किया गया था आप लोग इसका कौन बताएगा आंसर इसका इसका आंसर कौन बताइएगा आप लोग कौन बताएगा इसमें बच्चे इसका आंसर कौन बताएगा उनको नोबेल प्राइज के लिए कौन नोमिनेटेड किया गया था 1950, सौ पचास अड़तालीस आप लोग बता सकते हैं आंसर? देखना था था कौन बताता है पहले अड़तालीस में डब्ल्यू एच को न था प्राइज मिला था, 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 था। चलिए तो इसमें सैतालीस सैतालीस जा सबसे ज्यादा अड़तालीस लो, लोग बोल रहे कम बोल रहा है थी? आप लोग बताइए आप लोग बताइए आप लोग बताएं।, लो बताएं।, लो बताएं।, लो बताएं इसका आंसर हम देख रहे हैं आप लोग को जोन सही बताएगा उसको इनाम भी मिलेगा इनाम भी मिलेगा उसको जो सही बताएगा जो सही बताएगा इसका इनाम भी है इनाम यही है उसको लड्डू खाने के लिए बुलाएंगे कौन नहीं बताएगा जिसपे सैतालीस नहीं होगा आर्मी मोटिवेशन रुपेश कुमार संजय कुमार बोलिए तीन बार बता रहे हैं इतना ही लोग बता रहे हैं जी लोग का सही है 48 होगा देख रहे हैं आप लोगों 48 होगा 1948 होगा इस टॉल एंड थीन कौन टॉल है मैक्विटी है सेक्विटी लेक्विटी नहीं होगा मैक्विटी होगा ही इज ब्रोकन ह्यूमन लॉ कौन

करते हैं सी बोर्ड से करते हैं हाउ मेनी विस्परिंग नंबर कितना है दो होते हैं सोल्जर वॉज कम्पोजोज किया गया पंद्रह में

कमला दास है, बोलते बोलते है ना दिमाग पक जाता है इतना है तो ना कि कमला दास तो विंडो। विंडो चाहती थी मलयालम थी पैंसठ में पब्लिश किया गया समर इन कोलकाता कौन लिखा है कमला दास लिखी है माई ग्रैंड मदर हाउस इन बुक कौन किताब में माई ग्रैंड मदर हाउस दिया गया है समर इन कोलकाता में समर इन कोलकाता में कमला दास बेग स्ट्रेंजर दो अजनबी के दरवाजे पर

पारसी जाति के थे और ये एंग्लो इंडियन थे एंग्लो इंडियन थे याद रखिएगा द डिस्टेंस ऑफ साइलेंस टावर साइलेंस टावर का डिस्टेंस कितना था एक हजार एक हजार माइल था यह दिस इवेंट वाज हैपन यह हुआ ट्वेंटी होगा द फॉरगेट इज डेट बिकॉज फायर फॉरगेट इज डेट देता है इफ्ताब यहाँ इफ्ताब का वर्ड मीनिंग गलती है टाइप करने वाला गलती कर दिया है यहाँ यह नहीं होगा यहाँ P -P -P पहला बार हम टाइप करवाए थे लेकिन टाइप सक्सेस नहीं किया हम हम अपना से करते हैं उसका मजा दूसरा इपिताप इज डैश पोएम कैसी कविता है तो इपिताप कैसी कविता है तो यहां सही है कि कैसी कविता है बताइए आप लोग मोर्नफुल है मोर्नफुल कविता है एंड इपिताप टेल्स अबाउट किसके बारे में बताया गया लेडी के बारे में बताया गया है लेडी के बारे में बताया गया लेडी के बारे में बताया गया है ध्यान देंगे आप लोग द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग टू कहा की थी वेस्ट वेस्ट कंट्री कंट्री की की थी West country की थी क्रम्बल मीन क्रम्बल का मृत्यु क्या Die होता है डाई होता है डाई होता है क्रम्बल मतलब मरना होता है हु कंपोज दिस पोएम इस कविता को कौन कंपोज किया है वाल्टर ढेला मारे याद रखना ढेला मारे याद इसलिए रख रहा क्योंकि पूछेगा हु कॉल्ड हुड्रेन पोएट किनको कहा जाता था चिल्ड्रन पोल्ट वॉल्टर ढेला मारे तो कौन लिखा है भाई डब्लू डी एल एम डब्ल्यू डीएल वॉज फेमस फॉर चाइल्ड पोल्ट चाइल्ड पोल्ट के लिए फेमस है वो हुन आ गया चिल्ड्रेन आ गया बच्चे चिल्ड्रेन मतलब ढेला भारत याद रखना तो डब्ल्यू डीएलएम होगा डब्ल्यू डीएल रिसीव डैश प्राइज कौन पुरस्कार मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था बच्चे ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था लाइट ऑफ इस हार्ट एंड हार्ट वॉज सी ये कहाँ से लिया गया है लाइट ऑफ हार्ट उसका मैंने कल परसों पढ़ाया था नया का सेकेंड ईयर में उसकी जो चलने की चाल थी प्रकाश से भी तेज थी लेडी के बारे में बताया गया है तो इस किताब में है द पोएट टेल्स अबाउट ए डैस हु इज नाउ डेड कौन मर गया है इसमें लेडी है लेडी है द लेडी लाइज इन कहाँ लेटी हुई है गार्डन में तो लेटी नहीं है घर में लेटी नहीं ग्रेव में लेटी है, ग्रेव में देखो मजबूरी में थोड़ा तेज बढ़ना बोलना पड़ा है चलिए। पोएट थिंग्स डेट इज नॉट एवर लास्टिंग कौन सी अस्थाई नहीं होता है सुंदरता सुंदरता द पोएट थीट आफ्टर हिस्स नो बॉडी विल रिमेंबर हर कोई भी उसको याद नहीं करेगा रिमेंबर होगा यहाँ रिमेंबर होगा ही रिसीव अवार्ड कब उनको पुरस्कार मिला तिरपन में या? मिला था तिरपन में मिला था उनको अवार्ड मिला था कौन मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड एलिजाबेथ ने दिया था उनको वाल्टर वाज बोर्न एट स्टोन इंग्लैंड में जन्म लिए जन्म लिए थे तिहत्तर में, में, में जन्म लिए थे अठारह सौ अबिताब मीन्स अफिताब का मतलब क्या होता है तो गुमबंद होता है बताए थे आप लोग गुमबंद होता है स्मारक जिसको गुम्बद बोलते हैं द ब्यूटीफुल लेडी द ब्यूटी ऑफ द लेडी ब्यूटी ऑफ द लेडी उसकी सुंदरता क्या हो गई है वैनिस हो गई है खत्म हो गई है खत्म हो गई है द लेडी लाई लेडी लेटी हुई है, है लेडी लेटी हुई है कहा भाई ऑन दिता ही लॉस्ट इज फादर एट द एज ऑफ यह अगर सही पूछेगा तो इस, इस कविता से नहीं लिया गया है यह आपको है स्वीटेस्ट लिया गया है और स्वीटेस्ट क्लब में उनके पिताजी कब मर गए थे चाऊ जब चार साल के थे वो तब इसमें टाइप कर दिया था स्वीटेस्ट क्लब होगा इसमें स्वीटेस्ट क्लब होगा और आप लोग के से प्यार से इसको अब तो हमको नहीं लगता है कोई बचा होगा इसमें बच्चे बहुत फोन करते थे सर आप नहीं बताए हैं नहीं बताए हैं एक क्लास में टोटल को हमने दो चार चार को नहीं बताया सब में भरपूर्ण क्वेश्चन समझाया है और आप लोग का प्यार स्नेह रहेगा तो कल फिर आएंगे आपके साथ सात तीस थोड़ा दो मिनट लेट हो जाता है सात तीस में हम फिर आएंगे और कल हम प्रोज का पूरा ऑब्जेक्टिव बताएंगे प्रोज का ऑब्जेक्टिव देखिए शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें दे दिए हैं और शॉर्ट को भी बता देंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए हैं इसमें देखिए हमने शॉर्ट क्वेश्चन सब दे दिया है आप लोग प्लीज इसको जरूर देखेंगे और हल्का है भारी नहीं है बहुत सिंपल दे दिए एकदम सिंपल भाषा तुम एक दो बार पढ़ोगे जो आर्ट्स वाले जो काकारा भी नहीं जानता होंगे वो भी पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा तो हमने शॉर्ट भी दे दिया है पहले वाला हम जो दिए थे ना हमार्ड तो लाग, कर परीक्षार्थी अपने भाषा में सवाल का जवाब दीजिए तो हमने एकदम सिंपल लैंग्वेज दे दिया है बच्चे देखना एकदम सिंपल भाषा में दे कोई भी क्वेश्चन देखो ना यहाँ पर हु आर द विस्परिंग नेबर्स देखो लेफ्ट एंड राइट छोटा कर देते हैं देखिए लेफ्ट एंड राइट आर दाएं और बाएं हमारे गुट पड़ोसी होते हैं। इसका मतलब है, है, है? मृत्यु का जो वो आता कब जब हमारा शरीर मर जाता है शरीर मर जाता है तो आकर हमारे प्राण को लेकर चला जाता है एकदम सिंपल भाषा दी है। देखिए कोई भी क्वेश्चन देखिए ना वाट में क्या घटना होती है ओल्ड लिप्स बिगिन टू फॉल पुराना पता गिरने लगता है एंड न्यू लिप्स अपियर नया पता आने लगता है इन ऑटम सीजन पतझर में द फ्रूट्स टर्न राइप एंड स्वीट फल पक जाता है और मीठा हो जाता है इन ऑटम सीजन पतझर में सब बता ही दिए थे इसको इस यहाँ तक बता दिए थे आप लोग को अब देख लीजिएगा इसको प्लीज सिंपल है दस बजे हम इसको डाल देंगे टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर दस बजे डाल देंगे देख लीजिएगा आप लोग टिक मार करके डाल देंगे टिक मार करके डाले के डायरेक्ट बता दे आप लोग बताइए टिक मार्क करके डाले कि डायरेक्ट बता दे हम आंसर अलग दे देंगे टिक मार्क करके डाले कि अलग से बता दें बताइए आप लोग बताए हैं फायर हिम तो है। फायर हिम बताए हैं जी फायर हिम नहीं बताए हैं फायर हिम बताए हैं तो फायर हिम बताए हैं कुछ नहीं है उसमें नहीं हुआ तो भेज देंगे हम जो नहीं हुआ होगा ना हम टिक मार करके भेज देंगे आपको टिक मार करके निश्चित रहो भाई भेज देंगे टिक मार करके भेज देंगे तुम निश्चित रहो तुमको कोई कम्प्लेन नहीं होगा कोई शिकायत नहीं होगा बस इतना ही रखना आप इसको देखना अभी देखोगे ना तो अभी शायद तुमको याद रहेगा तो बस इसी के साथ जय हिंद जय बिहार जय स्टूडेंट्स और बस जाते आते आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग पढ़ें मन से पढ़े और बढ़िया से पढ़ें ईमानदारी से पढ़ें क्योंकि आप लोग ना पढ़ेंगे तो शायद आप समझ सकते हैं आप लोगों को पढ़ना जरूरी है आप लोगों को पढ़ना एकदम जरूरी है क्योंकि माँ बाप के सपनों को पूरा करना है और सपना को पूरा करना है बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनाना सिखाता है बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं जो चैम्पियन बनाना सिखाता है जो इंसान अकेले जीना सीख लेता है उसको दुनिया की कोई भी शक्ति उसको हरा नहीं सकती है और बस इतना ही कहेंगे कमजोर लोग ध्यान सुना कमजोर लोग बदला लेते हैं कमजोर लोग बदला लेते हैं शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं और इसी बात पर और एक जाते जाते आप लोग को एक चीज बताना चाहते हैं लाइफ में वह मुकाम हासिल करो लाइफ में वह मुकाम हासिल करो जहां तुम्हें लोग बच्चे ध्यान सुना हम फिर बता रहे हैं सुनिएगा आप लोग इसको गौर से यहां पर कर ले आप लाइफ में वह मुकाम हासिल करो जहां तुम्हें लोग ब्लॉक नहीं सर्च करे जहां तुम्हें लोग ब्लॉक नहीं सर्च करे शुभरात्रि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा